हैं बी क्रीमी ताज गार्डन ढाबा प्रेजेंटेशन बॉक्स में, और अभी अभी जो मुकाबला समाप्त हुआ उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए हमारे तमाम मेहमानों को अब यहाँ पर हम बारी बारी बुलाना चाहेंगे एक साथ। सबसे पहले हेई वेंसेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर जनाब मक्की पटेल साहब, जो हमारे सिटी क्रिकेट के फर्स्ट प्राइज के स्पॉन्सर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ जुड़ जाएं। जनाब असफर बोलिंसकर साहब, ए भारत गैस हमारे सुपर फोर और मैन ऑफ द मैच अवार्ड के स्पॉन्सर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा हमारे साथ जुड़ जाएं। मशहूर डेवलपर सीमा बाउद्दीन साहब, आपसे भी गुजारिश है हमसे जुड़ जाएं। शफीक भाई, आपसे भी गुजारिश है हमारे साथ जुड़ जाएं। उनके साथ में अब मैं सादिक भाई, शोएब भाई, जनाब बिलाल अंसारी साहब, उमेर भाई, दानिश अंसारी साहब और फहीद अरब साहब, आपसे भी गुजारिश है हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे सारे प्यारे मेहमानों को रिक्वेस्ट है हमारे साथ बी क्रीमी जूस, थिक शेक, आइसक्रीम, फास्ट फूड और ताज गार्डन ढाबा प्रेजेंटेशन बॉक्स में जुड़ जाना है। आप सभी के शुभ हाथों से हम अवार्ड्स देने वाले हैं। हमारे बीच अफजल खान साहब और शाकिर मोमिन साहब, आपसे भी गुजारिश है हमारे साथ जुड़ जाएं। असलम खान साहब, वेलकम वेलकम असफर भाई, आइए। हमारे तमाम मुस्कुराते हुए मेहमान हैं, अपने जीवन में बहुत मेहनत करके इन्होंने कामयाबी हासिल की है और आज हमारे चीफ गेस्ट हैं। वेलकम सर। A very warm welcome to each and every guest. बाली ट्रॉफी 2021 में आपका स्वागत है। आज की इस मैच का पहला अवार्ड है सुपर फोर अवार्ड, और दोस्तों पिछले 13 दिन से आप एक नाम सुनते आ रहे हैं कि जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर, ए भारत गैस का पुरस्कृत किया गया सुपर फोर। तो असफर भाई हमारे साथ आ चुके हैं और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि जो प्राइज उन्होंने स्पॉन्सर किया है वो उनके दस्ते मुबारक से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सुपर फोर जानते हैं, हु इज सुपर फोर? सुपर फोर ऑफ द मैच गोज टू आला रे आला ठाकरे आला महेश ठाकरे, ज्याच्या बल्लामधून आलेला आहे एक शानदार बाली ट्रॉफी चौकार। आइए, महेश ठाकरे सुपर फोर अवार्ड आपने जीता है, जावेद दलवी और असफर बोलिंसकर, ए भारत गैस द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये नायाब तोहफा आपको इनायत कर रहे हैं असफर साहब। आइए अब सुपर सिक्स की तरफ रुख करते हैं। राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस साहब, जिन्होंने सुपर सिक्स के लिए घड़ी स्पॉन्सर की है, जानते हैं किसने जीती है ये घड़ी? सुपर सिक्स ऑफ द मैच जिसे मिला है वो विनिंग टीम से नहीं लूजिंग टीम से है, लेकिन बाली ट्रॉफी से ट्रॉफी का हमेशा यही मकसद होता है कि जो प्लेयर जिस दिन अच्छा खेलेगा हम उसे उस दिन का पारितोषिक देंगे। सो सुपर सिक्स ऑफ द मैच गोज टू राजन थळे, जोरदार तारे हो जा राजन थळे साठी, ज्याच्या बल्लामधून आलेले आहेत 5 शानदार बाली ट्रॉफी षटकार, जोरदार ताळ्या उद्या। हमारे मक्की पटेल साहब हे वेंसेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, सिटी क्रिकेट फर्स्ट प्राइज जिन्होंने स्पॉन्सर किया, उन्होंने ये खूबसूरत घड़ी राजन थळे को दी है। और आइए अब बाली ट्रॉफी का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, नंबर ऑफ ट्रॉफीज एंड गिफ्ट्स, मतलब ये इनाम और उसकी पैकिंग जिसको देख के किसी की भी आंख में चमक आ जाए, ऐसे एक से बढ़कर एक नायाब तोहफे अब मैन ऑफ द मैच को इनायत किए जाएंगे। मैन ऑफ द मैच गोज टू महेश, तुला पुन्हा व्यासपीठावरती यायचं आहे महेश ठाकरे, 26 रनची धुआधार पाळी खेळलेला आहे महेश ठाकरे, अष्टविनायक ठाकुरपाडा संघ। आइए शुरुआत करते हैं असलम खान साहब के हाथों, असफर बोलिंसकर और जावेद दलवी, ए भारत गैस द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये खूबसूरत तोहफा। शाकिर मोमिन साहब के हाथों असफर बोलिंसकर, जावेद दलवी, ए भारत गैस का एक और नायाब गिफ्ट। सादिक भाई के हाथों
जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर, ए भारत गैस द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये गिफ्ट एम्बर उमेर भाई के हाथों। आइए असफर बोलिंसकर, जावेद दलवी, ए भारत गैस का ये खूबसूरत तोहफा। आइए अब बिलाल अंसारी साहब के हाथों डी साकरिया लाहौटी कंपाउंड का ये बैग। अब मैं सीमा बाउदीन साहब से गुजारिश करूंगा, एसके स्पोर्ट्स महापोली का ये शादाब कोटकर का स्पॉन्सर किया गया कैप, क्या बात है। आइए अब आगे बढ़ते हुए मेडल देने जा रहे हैं हम फहीद अरब साहब, बी क्रीमी और एक्रेलिक आर्ट टू के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर किया गया मेडल। अब मैं शोएब भाई से गुजारिश करूंगा के जॉली डिजाइनर का 20% डिस्काउंट वाउचर। अब दानिश अंसारी साहब के हाथों डी साकरिया लाहौटी कंपाउंड का 20% डिस्काउंट वाउचर। अब मैं सादिक भाई और सीमा बाउदीन साहब से गुजारिश करूंगा, सादिक भाई और सीमा बाउदीन साहब आइए आइए सर। अंजुर गांव की एवन जोड़ी नीलेश पाटिल सुकेश डाकी द्वारा स्पॉन्सर की गई है फ्रूट बास्केट, शुक्रिया। और सबसे आखिर में मैं मक्की पटेल साहब और असफर बोलिंसकर साहब दोनों से गुजारिश करूंगा कि अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई है मार्बल की ट्रॉफी महेश को दी जा रही है। हमारे तमाम मेहमानों का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आप सभी से गुजारिश है, आप सभी से गुजारिश है कि अब आप स्टेज पर स्टेज की जीनत बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मक्की पटेल साहब, असफर बोलिंसकर साहब, शफीक भाई, सीमा बाउदीन साहब, फहीद अरब साहब और बाकी जो अन्य गेस्ट है, सर थैंक यू सो मच। बिलाल अंसारी साहब, दानिश अंसारी साहब, यस सर, थैंक यू सो मच टू ऑल आर स्पेशल गेस्ट। फिर से एक बार आप सभी का बाली ट्रॉफी 2021 में दिल की गहराइयों से स्वागत है, थैंक यू सो मच। आणि मैन ऑफ द मैच जिंकलेला आहात, कसं वाटतंय? म्हणजे शेवटपर्यंत संघर्ष चालू होता, कभी तेरी कभी मेरी आणि शेवटी अष्टविनायक ठाकूरपाडा या संघाने सांगितलं नाही अभी सिर्फ मेरी। पहिल्या मॅचपासून आमचा संघर्षच चालू आहे आणि फायनलपर्यंत आम्हाला संघर्षच करत जायचं आहे असंच आम्ही ठरवलेलं आहे। पण हा संघर्ष करताना किती मजा येते, बाली ट्रॉफी खेळताना किती मजा येते? संघर्ष असं होतोय की खरोखर असं वाटतं की क्रिकेट खेळतोय, क्या बात आहे। अर्थात महेश, सिटी आणि ग्रामीण, परत सिटी ग्रामीण, सिटी ग्रामीण, नॉन स्टॉप आणि ड्युटी सुद्धा सुरू आहे, तर अशा वेळेला फिट राहण्यासाठी तू काय करत असतो जेव्हा असा श्रम जास्त करावा लागतो? प्रत्येक टायमाला मी जेव्हा ऑफ सीझन असते तेव्हा म्हणजे स्वतःवर फिटनेसवरती जास्त भर देत असतो, कारण का पूर्ण आपल्याला जी सीझन आहे ती खेळायची असेल तर मला फिटनेस करणं खूप गरजेचं आहे आणि मला ड्युटी करून खेळायचं असतं। आता पण मी ऑन ड्युटी आलो होतो मॅच खेळण्यासाठी। खूप खूप धन्यवाद आणि तुला खूप भरीव यश लाभो अशा लक्ष लक्ष शुभेच्छा। कंग्रॅच्युलेशन्स। तर हे होते महेश ठाकरे आपल्यासोबत जे ठरलेले आहेत मॅन ऑफ द मॅच। चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे, ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स। खूप खूप धन्यवाद। यायलो मात्र चेंडू हवेमध्ये होता, सुरेख झेल पकडला जातोय आणि फलंदाज बाद होतोय झेलबादच्या रूपाने गावदी ओवळी या संघाचा। ग्रामीण पूलमधील हा सामना पाहतोय साई स्पोर्ट्स खारबा विपक्ष गावदी स्पोर्ट्स ओवळी या दोन संघामध्ये। नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करताना साई स्पोर्ट्स खारबाव, तर नाणेफेक हरल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय गावदी ओवळी हा संघ। माझ्यासमोर समालोचन कक्षामध्ये जॉईन होतात मजर खान, आपलंही हार्दिक स्वागत आहे। थँक्यू धुमाल सर। तो ग्रामीण पुल का ये मुकाबला इस वक्त चलता हुआ, जहाँ पर अगर स्कोर हम देखें तो धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स मित्रों। आपल्यामध्ये जिल्हा परिषद सदस्य सन्मान्य राजेंद्र भोईर साहेब यांचं शुभ आगमन होतंय आणि पायनियर स्पोर्ट्सच्या वतीने आणि अल्ताप बालीच्या वतीने राजेंद्र भोईर साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम, आपलाच नम्र विनंती आहे। आपण मंचावर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे, परत एकदा जाऊया समालोचन कक्षाकडे, धन्यवाद। यायला बॅटचे एज होती
प्रयत्न तर केला होता इष्टरक्षकाने, मात्र प्रयत्न अपुरा पडतो आहे आणि जीवदान मिळतो फलंदाजाला। जी बिल्कुल, यहाँ पर बल्ले का भारी सिरा लगा था, अच्छी कोशिश जरूर की थी वहाँ पर विकेट कीपर मोनिश ने। एक रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, एक रन की मदद से स्कोर 15 पर जा पहुँचा है। दूसरे ओवर का खेल हम देख रहे हैं, दो विकेटें गंवाने के बाद 15 रन। अक्षय पाटिल कारबोसांकडून दुसरे षटक आतलतोय, दूरवरच्या टोकाकडून सामनागिर फलंदाज पवन पाटील जो नुकताच खेळपट्टीवर आहे, नौका फलंदाज यलचिंडूला फिरकावून दिलेले आहे, मात्र चेंडू हवेमध्ये, उंची जास्त लांबी कमी आणि पवन याला हे जावं लागेल डगोच्या आसऱ्याला। परग वतार यांनी तिथे तो झेल पकडलेला आहे आणि गावदी वेले संघाला आणखीन एक, सॉरी गावदी ओली संघाला आणखीन एक हादरा बसतोय। धन्यवाद सुभाष धुमाळ आणि त्याचबरोबर मजर खान। दोन ओवरचा खेळ इथे संपलाय, दोन ओवरच्या समाप्तीनंतर 15-3 विकेट। चांगली बॉलिंग साई स्पोर्ट्स खारबावची, खारबावने जो एक दबदबा निर्माण केला या संपूर्ण बाली ट्रॉफीवर मानायला लागेल त्या गावाला। खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय ग्रामीण क्रिकेटमध्ये, सिटी क्रिकेटमध्ये त्यांचे जे सर्व प्लेयर्स आहेत, सर्व खेळाडू आहेत, खूप चांगले खेळलेत आणि आता सूरज पाटील यांच्याकडे बॉल सोपवण्यात आला आहे। टीमचा कॅप्टन बॉलिंग करताना दिसेल, सुशांत पाटील आणि सूरज थळेच्या विरुद्ध आता बॉलिंग त्यांना करायचे, परंतु सूरज थळे आणि सुशांतला आता एक चांगली बॅटिंग करणं गरजेचं आहे, एक टार्गेट सेट करावं लागेल। चार ओव्हरचा सामना आहे, चार ओव्हरच्या मॅचमध्ये दोन ओव्हरमध्ये 15 आले, 3 विकेट गमवले, दबाव तर आहे विकेट गमवल्याचा, परंतु दबाव जुगारून निडर बॅटिंग करणं गरजेचं आहे। सर जास्त वेळ घेऊ नका, वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा ही नम्र विनंती आहे, कारण यानंतर एक 40+ सामना, त्यानंतर दोन सिटीच्या मॅचेस आज आम्हाला कव्हर करायचे आहेत। सूरज आला बॉलिंग मार्कवर, तर दोन ओव्हरचा खेळ संपलाय, दोन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 15 रन आहेत, माफ करा, 3 विकेट गमावल्यानंतर। धन्यवाद समालोचन कक्ष। तर दोस्तों मक्की पटेल साहब अब हमसे इजाज़त ले रहे हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस और आपके फ्रेंड्स, इनके आने से हमारे शो में 4 चांद लगे, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर। शब्बा खैर, अल्लाह ताला आपको बहुत नेकी और बरकत दे, शुक्रिया। सूरज बॉलिंग मार्कवर, तीसरा ओवर मध्ये फुलटोस बॉल, आता समोर खेळण्याचा प्रयत्न, डीप मध्ये फिल्डर आहेत आणि कॅच ड्रॉप, एक रन इथे कंप्लीट होते, दुसरा रनचा प्रयत्न थांबवलाय, त्यामुळे रन मिळेल फक्त एक। मक्की पटेल साहेब यांचं प्रस्थान इथून होत आहे, त्यांचे आम्ही मनपूर्वक आभारी आहोत। 16 रन 3 विकेट गमावल्यानंतर ओव्हर नंबर 3 चा खेळ सध्या मैदानामध्ये सुरू असताना, आणि इथे देखील एकच रन टीमच्या टोटलमध्ये ॲड होईल, रन झालेले आहेत स्कोरबोर्डवर।
17 पावर प्ले मध्ये रन आलेल्या नव्हत्या, त्यानंतरच्या ओव्हर मध्ये रन कमीच बनल्या आणि आता सूरजने देखील पहिले दोन बॉलवर फक्त दोन सिंगल खर्च केलेत. सूरज स्थळे बॅटिंग करण्यासाठी तयार. यावेळेला आतमधली कडा घेऊन चायनीज कट घेऊन बॉल गेला होता मागे आणि तिथे रन मिळते फक्त एक. या पहिल्या तीन बॉलवर तीन रन खर्च केले सूरज पाटीलने जो टीमचा कॅप्टन आहे. चांगली बॉलिंग ते करतात आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सिद्दीक भावे सर यांचं पुन्हा एकदा आगमन झालं आहे. वेलकम सिद्दीकजी. थँक्यू कुणाल. तर रन झालेले आहेत 18 ओवर द विकेट. यावेळेला फटका हवेत आहे मिडविकेटला. शॉर्ट मिडविकेटला फिल्डर नाही आहे आणि मिड ऑन देखील नव्हता. त्याचा फायदा इथे मात्र मिळताना दिसेल. आणि आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे टीम साई स्पोर्ट्स खारबावकडून गावचे प्रथम नागरिक म्हणजे सरपंच खेळताना दिसत आहेत महेंद्र पाटील साहेब या मॅचमध्ये. म्हणजे पहा क्रिकेटवरचं प्रेम सरपंच साहेबांचं देखील लपलेलं नाही आहे. ते देखील एक खेळाडू म्हणून या टीममध्ये खेळतात म्हणजे ही किती मोठी गोष्ट झाली भिवंडीच्या क्रिकेटमध्ये. और कुणाल सबसे बड़ी बात है कि उनके जितने भी मॅचेस रहे सरपंच साहब बाली ट्रॉफी में हाजिर रहे. उनका भी एक बहुत बड़ा शो रहता है. आणि आता तर स्वतः खेळताना दिसतात सरपंच साहेब या मॅचमध्ये. ही मोठी उपलब्धी आहे खऱ्या अर्थाने. ज्यावेळेला गावचे प्रथम नागरिक तुमच्या टीममध्ये खेळताना दिसतात सरपंच म्हणून निवड झाल्यानंतर गावाचा विकास तर ते करतायत, परंतु क्रिकेटमध्ये देखील आपल्या टीमचं नाव कसं होईल, आपल्या गावाचं नाव या भिवंडीच्या पंचक्रोशीमध्ये कशा पद्धतीने होईल याच्यासाठी ते नेहमीच तत्पर आणि अग्रेसर असतात. आणि त्याचमुळे साई स्पोर्ट्स खारबाव हा संघ खूप चांगला खेळला आहे. अगली दो टीमों को टॉस बॉक्स में पहुंचना है. 40+ से मुकाबला है. जय बजरंग कारीवली और जॉली स्पोर्ट कामतगर. रन झालेत 20. तीन विकेट गमावल्यानंतर आतापर्यंत फक्त 5 रन दिले सूरज पाटीलने. शॉर्ट बॉल होता बॅकफुटला जाऊन कव्हरला उडवलाय बॉल. वन बाउन्स बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि हा येतोय शेवटच्या बॉलवर चौकार. तीन ओव्हरचा खेळ संपला. तीन ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झाले 24. बॅटिंग करत असताना टीम गावदेवी ओवळीची धावसंख्या. शॉर्ट वाईड अँड पनिश्ड. ये देखिए हात खोलने की जगह दी थी. बॅकफुट पे चले गए थे. पंच किया था और गेंद पहले बाउंस पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन. चांगला स्ट्रोक. सुशांत पाटील आता शांत नाहीये मैदानामध्ये. त्याच्या बॅटमधून रन येत आहे. 7 बॉल त्याने फेस केले तर 11 रनवर तो खेळतोय गावदेवी ओवळीच्या माध्यमातून. 24 रन आतापर्यंत बनवले गेलेत 3 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर. बाली ट्रॉफीच्या आज 13व्या रात्रीमध्ये आपण आहोत. उद्या अंतिम रात्र आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येऊ या स्पर्धेची. उद्या देखील तिन्ही फॉर्मॅटमधल्या सेमी फायनल्स आणि फायनल्स आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत ज्यामध्ये 40+ त्याचबरोबर सिटी क्रिकेट दोन सेमी फायनल एक फायनल. 40+ दोन सेमी फायनल एक फायनल आणि त्याचबरोबर ग्रामीण. पुढाही मैं डेटा कल का बता देता हूँ. कल ठीक 10 बजे पहला सेमीफाइनल 40+ से पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस और गावदेवी भादवर. दूसरा 40+ से जो सेमीफाइनल रहेगा अगला जो मैच होने जा रहा है जॉली और कारिवली के बीच में कामत करके उसकी विजेता टीम जय हनुमान टेम्बोली से टकराएंगी. उसके बाद ग्रामीण का पहला सेमीफाइनल गुड बाय केवनी दिवे और बालाजी स्पोर्ट सरोली ये रहेगा 12 बजे. 1 बजे ग्रामीण का दूसरा सेमीफाइनल अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा और इस मैच की विजेता टीम के बीच में. फिर पहला जो सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा सिटी क्रिकेट से माउली स्पोर्ट और साइंस स्पोर्ट खरबाओं के बीच में. दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जो रहेगा वो आखिर के जो दो मैच है RD 4440 जॉली कामतगर सोना देवी और भरतवल इनके बीच में. 5 बजे पहला फाइनल, 6 बजे दूसरा फाइनल और 7 बजे तीसरा फाइनल. चला भरपूर वेळ घेतलाय तुम्ही टीम साई स्पोर्ट्स खारबाव, कारण मागच्या ओव्हरमध्ये देखील तुम्हाला सांगण्यात आलं होतं आमच्या माध्यमातून. वेळ थोडासा कमी घ्या प्लीज. नितेश आलेत शेवटच्या ओव्हरमध्ये.
या वेला पहिलाच बॉल स्लॉट मध्ये होता आणि बॉल जाईल प्लॉटच्या बाहेर बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे षटकार जुजी हफ वाली थी बिल्कुल सामने रख दिया था बैट्समैन के आइए देखते हैं किस तरह से उस सिक्सर को जड़ा था बैट्समैन सूरज ने ये देखिए फ्रंट लेग को अलग किया गेंद को उछाल दिया उन्होंने वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन 6 रन देखिए कुणाल गेंदबाज ने अगर बल्लेबाज के आगे गेंद को रख दिया सामने तो मानो ये ऐसा है आप शेर के आगे मांस रख रहे हो होना ही चाहिए शेर को घास दो घोड़े को मांस दो दोनों मर जाए धन्यवाद समालोचन कक्ष मित्रों आताच अपने मध्य शुभागमन सन्मान्य गोकुल नाईक साहब जिल्हा परिषद सदस्य भूषवित आहेत आणि आज बाली ट्रॉफीला सदिच्छा भेट देत आहेत सर आपलं हार्दिक स्वागत आहे सुस्वागतम आपण स्टेजवर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे धन्यवाद बॅक टू कॉम बॉक्स तर पहिल्या बॉलवर षटकार आलाय डेथ ओव्हरच्या त्यामुळे धावसंख्येला आकार आलाय आणि गावदेवी ओळी या टीमची बॉलिंग खूप चांगली आहे या टीमने आतापर्यंत जो प्रवास केलाय एक एक मॅच जिंकत असताना बॉलिंग आणि बॅटिंगमध्ये चांगलं योगदान दिलं आणि त्यामुळे नितेशला आता थोडंसं वाचूनच राहावं लागेल पहिल्या बॉलवर षटकार आलाय चांगलं टायमिंग बॅट्समन सूरज थळेच्या बॅटमधून आणि हा बॅट्समन त्याच्यासाठी जाणला जातो डेथ ओव्हरमध्ये भरपूर वेगाने रन बनवतो आणि पहिल्या बॉलवर तर षटकार आणि त्याने आपले इरादे स्पष्ट केलेत दुसरा बॉल ऑन साईडला पाठवलाय मिडविकेटला डीपमध्ये फिल्डर आहेत अलॉंग द कार्पेट बॉल जाईल तोपर्यंत एक रन इथे कम्प्लीट होते दुसऱ्या रनचा प्रयत्न थांबलाय त्यामुळे एकच रन मिळेल टीमची धावसंख्या 31 अगली दो टीमों को 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में बैठना है खेलने वाली टीमें 40+ से कार्योली और कामतगढ़ नितेश चांगला फटका है ऑर्थोडॉक्स लॉन्गोन आणि काउकानोच्या गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न डीप मध्ये फिल्डर आहेत या क्षेत्रामध्ये हा मिडविकेट आणि बरोबर लॉन्गोनच्या मध्ये एक क्षेत्ररक्षक ठेवलाय एक्झॅक्ट कॉर्नरला आणि तिथे हा स्ट्रोक आल्यानंतर फक्त 1 रन मिळताना दिसते चांगली फील्ड प्लेसमेंट जिथे बॉलिंग होते अगदी त्या क्षेत्रामध्ये फिल्डर्स आहेत त्यामुळे जास्त मोठे फटके आल्यानंतर देखील रन वाचवले जात आहेत 3 बॉल अजूनही शिल्लक गावदेवी ओवळीची धावसंख्या 32 बीट केलं बॅट्समनला अखेर एक डॉट बॉल येतोय डेथ ओव्हरमध्ये ही जमेची बाजू पहिल्या 3 बॉलवर 8 रन खर्च केले होते आता एक डॉट बॉल आलाय त्यामुळे नितेशचं हे षटक खूप महत्त्वाचं ठरते या मॅचमध्ये एक एक बॉल महत्त्वाचा आहे रन झालेले आहेत 32 एखादा मोठा हिट आला तर चांगली फायटिंग होईल या मॅचमध्ये बॉलर नितेश आणि त्याच्यासमोर सूरज थळे लोअर फुलटोस बॉल टाइम ठीकसं करता आलेलं नव्हतं बॅटमधून तोपर्यंत दुसऱ्या रनचा प्रयत्न करताय सूरज आहेत तर डेंजर एंडला विकेट किपर एंडला बॉल इथे फेकलाय तोपर्यंत 2 रन मिळवतील सूरज स्थळे टीमची धावसंख्या 5 बॉलच्या समाप्तीनंतर आता 34 लास्ट बॉल या पहिल्या इनिंगमधला शेवटचा बॉल या ओव्हरच्या दरम्यान यावेळेला पुढे फटका मारण्याचा प्रयत्न डीपमध्ये फिल्डर आहेत वाईड ऑफ लॉंग ऑफ जोपर्यंत येतील तोपर्यंत दुसऱ्या रनचा प्रयत्न केलाय थ्रो पुन्हा एकदा विकेट किपर एंडला मागे जातोय बॉल चांगली फिल्डिंग तिथे सरपंच साहेब करत असताना आणि तोपर्यंत तर तिसऱ्या रनच्या प्रयत्नामध्ये बॅट्समन रन आउट रन झालेला आहे 36-37 रनचं लक्ष आणि आता जाऊया टॉससाठी आमच्या टॉस बॉक्समध्ये तिथे जुळले जातात हरीश पंड्या सर आणि कोयंकर रेशमा मयेकर इट्स ओवर टू यू धन्यवाद कुणाल दातेजी
हाँ मित्रांनो, आम्ही उभे आहोत इथे फाइव फॉर्च्यून रिअल्टर्स टॉस बॉक्समध्ये, ज्याचे पुरस्कर्ते आहेत मुशीर नाचन, सादात पटेल आणि विष्णू चंदे. माझ्या जोडीला रेश्मा मयेकर आणि दोन्ही संघनायक यांना विनंती आहे आपण उपस्थित राहायचं आहे. दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सना विनंती, कारुली आणि कामतगर, दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सना विनंती असेल की टॉस बॉक्समध्ये आमच्यासोबत जॉईन व्हायचंय. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर आणि जय बजरंग कारिवली दोन संघनायक आलेत. अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब असफर बोलिंसकर साहब, जनाब सीमा बाउद्दीन साहब और उनके साहबजादे मोहम्मद बाउद्दीन साहब के हमारे साथ टॉस के लिए जुड़ जाएं. हमारे प्यारे मेहमानों को रिक्वेस्ट है फाइव फॉर्च्यून रियल्टर्स टॉस बॉक्स में हमारे साथ जुड़ जाना है. आपके दस्ते मुबारक से हम ये जो अगला 40 प्लस का मैच है उसका टॉस करने वाले हैं. और हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमीज रईस. आइए असवर भाई, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है सर. सीमा बाउद्दीन साहब, मोहम्मद बाउद्दीन साहब, आप सभी का हार्दिक स्वागत. दोनों टीम के कैप्टन्स और हमारे प्यारे मेहमानों को बताना चाहती हूँ, कॉइन के एक साइड पर है ए बी उर्फ बाली ट्रॉफी की शान अल्ताफ बाली और कॉइन के दूसरे साइड पर है जेड पी यानी कि जिला परिषद. बेटा डू द ऑनर. कामतगर यांचा कॉल आहे, ए बी इज अ कॉल एंड इट्स अ ए बी. तो जॉली स्पोर्ट्स कामतगर ने टॉस जीता है, टॉस कॉइन मोहम्मद बाउद्दीन इनके शुभातों से. और अब फाद दलवी मनसब मुल्ला रोलेक्स मेडिकेयर द्वारा स्पॉन्सर की गई किट बैग सीमा बाउद्दीन साहब टॉस विनिंग कैप्टन को दे रहे हैं. इसके अलावा जॉली डिजाइनर का 20% डिस्काउंट वाउचर मोहम्मद बाउद्दीन इनके शुभातों से दिया जा रहा है. और डी साकरिया लाहौटी कंपाउंड इनका 20% डिस्काउंट वाउचर असफर बोलिंसकर इनके शुभातों दिया जा रहा है. सर अब आपसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं. बहुत बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू सो मच. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर अपन नाणेफेक जिंकली आणि काय निर्णय घेतलाय? प्रथम आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार आहे. धन्यवाद. जय बजरंग कारिवली, नाणेफेक जिंकलेले नाही आहात पण जिंकले असता तर काय निर्णय असता? क्षेत्ररक्षण घे. पण आता बॅटिंग करायची आहे तर चांगली करा. सो न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर वॉन द टॉस अँड चूज टू फील्ड फर्स्ट. चला तर पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑन गोईंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू. फाय फॉर्च्यून टॉस बॉक्स. पहिल्या डावामध्ये गावदेवी ओवळी संघाने 36 धावा बनवल्या 4 षटकामध्ये आणि आता साई स्पोर्ट्स खारगाव संघाला 24 बॉलमध्ये 37 धावा पूर्ण कराव्या लागतील हा सामना विजयी करण्यासाठी. आणि 37 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी दोन फलंदाज तुम्हाला खेळपट्टीवर पाहायला मिळतात, करण पाटील आणि प्रणय पाटील. आणि गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज सज्ज होतोय राजदीप. पहिलं षटक हे मॅन्डेटरी बॅटिंग पॉवरप्ले आहे आणि पाहूया या मॅन्डेटरी बॅटिंग पॉवरप्लेमध्ये कुठल्या संघाचा डंका वाजतोय. तो इस वक्त दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बल्लेबाज साइज खारबाव की तरफ से करण पाटिल और प्रणय पाटिल. गेंदबाजी बहुत बेहतरीन की आज साइज के सभी गेंदबाजों ने और 36 रनों पर रोक दिया है गावदेवी ओली को. इनफील्डच्या आतमध्ये क्षेत्रक्षक सजवले गेले आहेत. आपण पाहू शकतो ऑफ साईडला 5, ऑन साईडला 2 आणि 38 सर्कलच्या बाहेर ऑन साईडला 2. पहिली गेंद वहां पर राजदीप की, हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी उस गेंद को करण पाटिल ने. अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज राजदीप. फ्लाईटचा फायदा उचलून ऑन द टोज येऊन हा फटका कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न झाला होता पण हलकंसं इनसाईड एज लागून यष्टीरक्षकाच्या हाताचा विसावा घेईपर्यंत मात्र डॉट चेंडूच्या हाताळणे कम्प्लीट होते. राजीवची चांगली सुरुवात होते गावदेवळी ओवळी संघासाठी. इस बार जोर से बल्ला घुमाया वहां पर करण ने, सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे उस गेंद को. थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर. एक रन की मदद से करण का और साइज स्पोर्ट्स खारबाव का खाता खुलता हुआ. ग्रामीण पूल का ये मुकाबला इस वक्त चलता हुआ. इसके बाद हम 40 प्लस का मुकाबला देखेंगे.
नक्कीच ग्रामीण क्रिकेट असल्याकारणाने चार षटकांचा हा सामना असेल आणि चार षटकांपैकी पहिले षटक हे मँडेटरी बॅटिंग पॉवर प्ले आहे आणि या बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये आतापर्यंत फक्त एक धाव जोडता आलेली आहे साई स्पोर्ट्स कारवा संघाला. आतापर्यंत दोन बॉल्स हाताळून गेलेत आपण पाहू शकता सन्माननीय अल्ताफ अलीजी या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा. इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश वहां पर पॉइंट को खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद निकल गई चार रनों के लिए. अच्छा स्ट्रोक आता हुआ परनय पाटिल के बल्ले से गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई चार रनों के लिए. खूप चांगला हा कट शॉट इम्प्रोवाइज केला आहे कुठेतरी हा फटका बनवलेला आहे इनफील्डला क्लियर करून वेगाने बॉल डीप पॉइंट सीमारेषा ओलांडतोय आणि हा कुठेतरी पहिल्या चौकारितोय या दुसऱ्या षटका दुसऱ्या डावातला. धावसंख्या झाली ती म्हणजे तीन चेंडूच्या समाप्तीनंतर पाच धावा. आता कुठेतरी पवित्रा बदललेला आहे साई स्पोर्ट्स संघाने. अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त परनय के बल्ले स्लाइस किया था उस गेंद को पॉइंट के खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद निकल गई चार रनों के लिए. चौकी की मदद से स्कोर पाँच पर पहुंचता हुआ उसी बीच वहां पर लोअर फुल टॉस गेंद बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ परनय के बल्ले से गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई चार रनों के लिए. बैक टू बैक दो गेंदों के ऊपर दो बाउंड्री आती हुई परनय के बल्ले से. खूप शानदार डेडिकेटेड कवर ड्राइवचा फटका तुम्हाला पाहायला मिळाला दोन क्षेत्ररक्षकाला बीट करून म्हणजेच काय एक्स्ट्रा कवर आणि कवरच्या क्षेत्ररक्षकाला बीट करून हा बॉल सीमारेषेच्या बाहेर दणदण करून निघून जातोय आणि कुठेतरी बॅक टू बॅक दोन चौकार येऊन एक महत्त्वपूर्ण सुरुवात होते. आपण पाहू शकता सन्माननीय अल्ताफ बालेजी सर्व पाहुण्यांची मात्र खूप चांगली देखरेख करत आहेत विचारपूस करत आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून एक दैदिप्यमान नियोजन तुम्हाला मला पाहायला मिळते. इस बार शॉर्ट गेंद वहां पर फोर्स करने की कोशिश की थी मिस टाइम स्ट्रोक वहां पर परनय का और एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ वहां पर एक बड़ी मछली जाल में फंसते रह गई यहां पर. मनीष पाटिल सर सकाळी आई वडिलांचा आशीर्वाद घेऊनच प्रणय पाटिल घराच्या बाहेर आला असं जाणतो कारण सिटी क्रिकेट मध्ये सुद्धा त्यांचा झेल सुटला गेला होता आणि त्यावेळी देखील त्यांची बहारदार फलंदाजी पाहायला मिळाली होती आणि आता ग्रामीण पूल मध्ये सुद्धा झेल सुटतोय. आता काय होईल याचं चित्र मात्र तुम्हाला येणाऱ्या बॉल मध्येच पाहायला मिळेल. जी बिल्कुल जब वो सिटी से खेले तब उनका क्या छुड़ा लेकिन उसके बाद क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी परनय पाटिल ने. इस बार कमाल की गेंद वहां पर बहुत बढ़िया गेंद अच्छी लंबाई की गेंद रखी थी इस बार उज्जवल ने पूरी तरह से बीट करा दिया वहां पर करण पाटिल को. आणि जेव्हा जेव्हा क्षेत्ररक्षक झेल सोडतात त्याचा प्रेशर कुठेतरी गोलंदाजांवर येतोय. राजदीप मात्र एक सक्सेसफुल कर्णधार आहे गावदेवी ओवळी संघाचा आणि पहिल्या षटकाची समाप्ती होते आणि पहिल्या षटकाची समाप्ती. धन्यवाद समालोचन कक्ष. मित्रांनो आता आपण परत एकदा सत्कार समारंभाकडे वळत आहोत. सर्वप्रसाद आपण जिल्हा परिषद सदस्य सन्माननीय राजेंद्र भोईर साहेब यांचा सत्कार करणार आहोत. नईम शेख यांच्याकडून पायनियर स्पोर्ट्सच्या वतीने हा भव्य सत्कार शॉल पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह मार्बलची ही ट्रॉफी आहे. त्यानंतर सन्माननीय गोकुळ नाईक साहेब जिल्हा परिषद सदस्य आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आता त्यांचा आपण सत्कार करणार आहोत. शॉल पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन हा भव्य सत्कार आपण आता परिपूर्ण करतोय. दोन्ही जिल्हा परिषद सदस्य यांना आमच्याकडून लक्ष शुभेच्छा आहेत. राजेंद्र भोईरजी आणि गोकुळ नाईकजी आपण चांगली कामगिरी करत राहावे आणि लोकोपयोगी काम करत राहावे. परत एकदा जाऊया आपण समालोचन कक्षाकडे. धन्यवाद. थँक्यू हरीश पांड्या सर. ये देखिए अल्ताफ बाली सर को दिखाया जा रहा साथ में उनके अश्वर भोलिंजकर जी को भी जो हमारे मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर है डबल ए भारत गैस के. दूसरे ओवर के लिए अब अजय को बुलाया गया है. पहली गेंद अजय की वहां पर ऑन साइड की दिशा में एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर करण ने थोड़ी नीचे रह गई थी ये गेंद पिचअप होने के बाद. आणि मातीच्या खेळपट्टीची हीच खासियत आहे कुठेतरी गोलंदाजाला ॲडव्हान्टेज मिळते. एव्हन आपण पाहिलं तर खूप मोठ्या प्रमाणात काँक्रीट खेळपट्टीवर खेळलं जाते पण बाली चषकामध्ये मात्र मातीची विकेट खेळण्यासाठी मिळते आणि गोलंदाज मात्र दर्जेदार गोलंदाजी करत आहेत पूर्ण बाली चषकामध्ये. जी बिल्कुल जिस तरह से ये पिच बनाई गई है अगर गेंदबाज अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करें तो बेहतर गेंदबाज है. 17 बॉलमध्ये 26 धावांची गरज. इस बार मिड विकेट की दिशा में खेला है वहां पर करण ने देखते ही रह गए मस्तक पे दस्तक गेंद बाउंड्री के बाहर छह रनों के लिए कमाल का स्ट्रोक आता है इस वक्त करण पाटिल के बल्ले से.
गगनचुंबी आणि गगनभेदी हा षटकार तुम्हा आम्हा सर्वांना पाहायला मिळाला आणि कुठेतरी एक सुटकेचा निश्वास टाकलाय साई स्पोर्ट्स खारबा संघाच्या समर्थकांनी, कारण या षटकाराची नितांत गरज होती आणि धावफलक पुढे सरसावलाय आणि पोहोचलाय तो म्हणजे 17 या आकड्यावर। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाए, काही दूर जाकर गिरती हुई गेंद तारों की सैर करते हुए कमाल का स्ट्रोक आता हुआ करण पाटिल के बल्ले से गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए सिक्सर की मदद से स्कोर 17 पर जा पहुंचाए। बघा दोन्ही फलंदाज ही दर्जेदार कामगिरी करत आहेत, कारण आपण जर करण पाटीलचा विचार केला तर तो 7 धावांवर खेळतोय आणि प्रणय पाटीलचा विचार केला तर तो 9 धावांवर खेळतोय आणि दोन्ही फलंदाज मात्र आक्रमकतेसाठी ओळखले जातात आणि त्यांची आक्रमकता या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये अनुभवायला मिळते आणि आता गरज आहे ती 16 बॉलमध्ये 20 धावांची। जी बिल्कुल, अब यहाँ से जो इक्वेशन है वो 16 गेंदे और 20 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अगर हम पूरे बाली ट्रॉफी की बात करें तो साइज खारबा का जो शुक्रिया रहा है, शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों अब असफर बोलिंसकर साहब हमसे अलविदा कहते हुए उनके साथ सीमा बाउद्दीन साहब, मोहम्मद बाउद्दीन साहब और उनके ग्रुप के तमाम मेंबर्स, आप सभी को शब्बा खैर और आप सभी को आने वाले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन। आइए वापस चलते हैं कमेंट्री बॉक्स। तो इस वक्त हमसे विदा लेते हुए अशफर बोलिंचकर जी और सीमा बाउद्दीन जी, सीमा बाउद्दीन के बारे में मैं बताता चलूँ कि मेरे सबसे पहले बॉस थे वो, उन्हीं के पास मैं काम किया करता था सबसे पहले। उसी बीच वहाँ पर ये गेंद देखना है ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही थी ये गेंद, वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में स्कोर आगे खिसकता हुआ 18 रनों पर। उजव्या एसटीच्या नियंत्रण रेषा ओलांडणारा हा बॉल होता, म्हणूनच 5 च्या मध्ये वाइड बॉल चेक होऊन धावसंख्या झाली 1 ने, पुढे पोहोचेल 18 वर। उसी बीच वहां पर देखना इस बार पुल करने की कोशिश की थी लेकिन उतना एलिवेशन नहीं दे पाए थे करण, 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सिक्सर लगने के बाद अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर अजय द्वारा, स्कोर 1 रन की मदद से 19 रनों पर जा पहुँचा है। चांगली गोलंदाजी होती है पण तितकीच चांगली फलंदाजी सुद्धा, त्याने माहिती आहे की या षटकाचा कोटा पूर्ण झालेला आहे म्हणून कुठेतरी जमिनीच्या सहाय्याने मात्र जमिनीच्या समतल फटकेबाजी सुरू आहे ती म्हणजेच साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाची। धावसंख्या बिनबाद 19, गरज आहे 15 बॉलमध्ये 18 धावांची। इस बार बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर प्रणय ने, लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर स्लॉक करना चाहते थे प्रणय पाटिल। अच्छी गेंद एक बार फिर से रही वहां पर अजय की, लाइन एंड लेंथ व्यवस्थित न ओळखता मात्र फटका कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि मात्र अजय ने कुठेतरी प्रभावित करणारी गोलंदाजी या षटकामध्ये केली। षटका आल्यानंतर धावसंख्या बिनबाद 20, 14 बॉलमध्ये 17 धावांची गरज आहे साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाला विजयासाठी। गोलंदाजी मार्क पर गोलंदाज तैयार अजय पाटील। एक बार फिर से देखना करण ने इस गेंद को खेला है और यह भी जा रही है बाउंड्री के बाहर, फिर से मस्तक पे दस्तक गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहां पर कर रहे करण पाटील, आत्मविश्वास दिसतोय प्रत्येक फटक्यामध्ये, जो आत्मविश्वास दिसतोय ना तोच कुठेतरी विजयाच्या समीप घेऊन जातोय तो म्हणजे साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाला आपण म्हणू शकतोय, कारण आता गरज आहे ती म्हणजे 13 बॉल्समध्ये 11 धावांची। कुठेतरी बॉल्स जास्त आहेत आणि धावा कमी आहेत, 5 चेंडूचा खेळ झालाय या दुसऱ्या षटकातला, धावसंख्या झाली आहे बिनबाद 26 साई स्पोर्ट्स खारबाव। शेवटचा बॉल असेल या दुसऱ्या षटकातला, इस बार सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए वहां पर करण, देखना 1 रन पूरा करते हुए दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर तेज कदमों के साथ, ये रन 2 पूरे करते हुए वहां पर बहुत बढ़िया दौड़ देखने को मिली इस बार विकेटों के बीच में। जैसे ही देखा कि डीप का खिलाड़ी दूर से आ रहा है, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 28, अब 12 गेंदे और 9 रन चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। शुक्रिया, 12 बॉल 9 रन चाहिए। आइए अगले सत्कार की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकील अंसारी साहब हमारे बीच उपस्थित है और उनका हम सत्कार करने जा रहे हैं। अकील अंसारी साहब आइए, आपका स्वागत है। शॉल उड़ाकर सम्मान चिन्ह देकर पाइनियर स्पोर्ट्स की तरफ से नईम शेख साहब आपका सत्कार करते हुए, हमारे सत्कार सम्राट नईम भाई। अगला सत्कार फारूक शेख साहब का हम करने जा रहे हैं जो हमारे बीच इस वक्त आ चुके हैं और अल्ताफ बाली के चाचा हैं।
और उनका सत्कार करते हुए हमें बेइंतहा खुशी हो रही है। शॉल उड़ाकर सम्मान चिन्ह देकर यह सत्कार। अब हमारे बीच तकी पटेल साहब उपस्थित हैं, नईम शेख के बहुत खास दोस्त हैं और हमारे अयान पटेल के वालिद भी हैं। शॉल उड़ाकर सम्मान चिन्ह देकर आपका यह सत्कार संपन्न हुआ। अनवर भाई अगला सत्कार उनका होने जा रहा है। शॉल उड़ाकर सम्मान चिन्ह देकर ये सत्कार होता हुआ। दोस्तों हमारे ट्रॉफीज के स्पॉन्सर है बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे, वीरेन चोरगे, विराज चोरगे। आइए वापस चलते हैं मैदान में। थैंक यू आरेश। आइए दोस्तों, इस वक्त 12 गेंदों में जीतने के लिए 9 रन की ज़रूरत है। साइंस खारबाओ ज़बरदस्त परफॉर्म करिए दोनों फॉर्मेट में। ये गेंद देखना है क्या कुछ हुआ है। वाइट का इशारा अंपायर का, एक रन और स्कोर में आता हुआ। मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं आईपीएल मराठी की मखमली आवाज़ कुणाल दाते। सोडू की मारू अशी परिस्थिति झाली होती, आणि शेवटच्या क्षणाला बॉल सोडून दिला। अजूनही 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे, 12 बॉलमध्ये 8 रनची आवश्यकता या मॅचमध्ये टीम साई स्पोर्ट्स खारबावला। राईट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद कट के अंदर की जानी भाई। बहुत ही टेंटेटिव तरीके से खेले थे बैट्समैन। मराठी भाषा दिवस जो 27 फरवरी को मनाया जाता है और मराठी के आईपीएल की मखमली आवाज़ है। मराठी में बहुत कमेंटेटर है, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गवली सर, नो डाउट एट ऑल, बहुत मान कमेंटेटर हैं। अजय गरत 3-in-1। इस मरतबा फिर से खराब गेंद, एक अच्छी गेंद, दो खराब गेंदे वाइट। और महाराष्ट्र का जहाँ तक ताल्लुक है, मराठी शब्द मराठा उसके लफ्ज़े मानी होते हैं मरनार पन हटनार नहीं, और मराठी की कमेंट्री किसी भी टूर्नामेंट से हटेंगी नहीं। इस मरतबा केवल पुश की ऑफसाइड में, एक रन बना दूसरे के लिए जाना चाहते थे। ये देखिए सोच रहे हैं वहाँ पर कि मौका कोई ना कोई बन जाए, कोई ना कोई निशाना तो ठिकाने पे लगे। आप 10 गेंदों में केवल 6 रन। साइंस खारबाओं का आज सिटी क्रिकेट का भी जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी निखर गया था। अब ग्रामीण में भी उनकी टीम, ये पहली मर्तबा होगा कि दोनों फॉर्मेट में उनकी टीम सेमीफाइनल खेलेंगी। महेंद्र पाटिल के जो सितारे हैं इस साल बहुत चमके हुए हैं, वो इस साल सरपंच भी बने, वो भी फुल मेजॉरिटी से। इस साल उनकी दोनों टीमें क्रिकेट में बहुत नाम कमा रही हैं। नाही, खऱ्या अर्थाने नशिबाचाच खेळ म्हणावा लागेल। आज ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच पद त्यांच्याकडे आहे, जवळपास सर्व सदस्य त्यांचे निवडून आले, आणि आता क्रिकेटमध्ये देखील त्यांच्या टीम चांगलं योगदान देत असताना दिसत आहेत, आणि त्याचमुळे खारबावचं नाव बाली ट्रॉफीमध्ये विभिन्न स्वर्ण अक्षरामध्ये लिहिलं जाईल अशीच अपेक्षा सर्व खारबावकर आता सध्या करत असतील। इस मरतबा बॅकफुट पे गए, पंच किया गया इनको, देखना अंपायर का क्या इशारा है। तीसरे अंपायर को पूछा है वहाँ पर, अगर गेंद ने बाउंड्री के पीछे गए तो मानो इस मैच को जीत जाएंगी। ये देखिए रूम बनाया था प्रणय पाटिल ने, पंच किया था एक्स्ट्रा कवर में, और देखना है कि तीसरे अंपायर क्या निर्णय लेते हैं। 4 रन, एक रन और बाकी है। 40 प्लस का मुकाबला है। इस मरतबा स्विच हिट किया है, हवा में गेंद है, फील्डर उसके नीचे है, कैच छूटा और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया है और सेमीफाइनल में पहुंच गई है साइंस स्पोर्ट खारबाओ। महेंद्र पाटिल फैम टीम, कॉन्ग्रेचुलेशन महेंद्र पाटिल एंड साइंस खारबाओ एंड हार्ड लक, हार्ड लक गावदेवी वेले। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स बी क्रीमी और ताज गार्डन धाबा में, जहां पर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या द किंग वॉइस और आवाज़ की मलिका रेशमा मैकर वहां पे मौजूद है। इज ओवर टू हरीश पंड्या एंड रेशमा मैकर।
वेलकम बैक रेशमा मैकर एंड थैंक यू सो मच सिद्दीक बाबा एंड कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2021 13वीं रात और इसके आयोजक है पाइनियर स्पोर्ट्स, खेली जा रही है स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम भिवंडी महाराष्ट्र में और दुनिया के कोई भी